राधे राधे दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दोस्तों, इस पोस्ट में शेयर करें करवा चौथ की सर्गी के नियम और कब करनी चाहिए और उससे जुड़ी अन्य बातें। करवा चौथ का व्रत प्रत्येक हिंदू सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, साथ ही घर में सुख शांति बनी रहे ये भी मंगल कामना करती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 को रखा जाएगा। इस व्रत में सर्गी का विशेष महत्व है। सर्गी की थाली में क्या क्या सामान होना चाहिए और सर्गी किस समय करनी चाहिए, सर्गी करने की क्या विधि और नियम होते हैं, इन बातों को जानते हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से। तो पहले जानते हैं सर्गी की थाली में कौन कौन से सामान जरूर होने चाहिए। थाली में 16 श्रृंगार का सामान होना चाहिए। प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्गी की थाली में 16 श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी, मेहंदी, कुमकुम, चूड़ी, पायल, लाल साड़ी, गजरा, महावर, सिंदूर, मांग टीका, कंघी, बिछिया, काजल, मेहंदी, बिंदी आदि रखें और मिठाई रखें। प्रचलित परंपरा के अनुसार सर्गी की थाली में मिठाई जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा सर्गी का सेवन सूरज उगने से पहले कर लेना चाहिए। सर्गी की थाली में सास अपनी बहू को मिठाई रखकर जरूर दे और सर्गी की थाली में फल रखें। करवा चौथ के दिन सर्गी की थाली में फल रखना जरूरी है। थाली में आप अनानास और सेब शामिल कर सकते हैं। ये व्रत सूर्योदय से सूर्यास्त तक निर्जला रखा जाता है। सर्गी की थाली में सूखे मेवे और नारियल भी रखें। प्रचलित परंपरा के अनुसार सर्गी की थाली में सूखे मेवे और नारियल रखना बेहद जरूरी है। करवा चौथ पर बिना पानी पिए बिना कुछ खाए व्रत रखा जाता है। यही कारण है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सर्गी की थाली में सूखे मेवे और नारियल रखे जाते हैं। सर्गी कितने बजे खानी चाहिए? करवा चौथ के दिन सर्गी खाने का समय सूर्योदय से पहले माना जाता है। सुबह 4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे के बीच में सर्गी खा सकते हैं। मान्यता है इसे तारों की छांव में ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि सुबह सूर्योदय से पूर्व सर्गी ग्रहण कर लेना चाहिए। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दौरान सर्गी खाने से भगवान भी सुहागिनों को व्रत रखने में मदद करते हैं। और आप जानते हैं सर्गी करने की विधि और नियम। नियमों के अनुसार सर्गी का सेवन ब्रह्म मुहूर्त में कर लेना चाहिए। इसके लिए व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े पहने और फिर शिव परिवार के समक्ष घी का दीपक लगाएं, उनका स्मरण करें, अब सास को प्रणाम कर आशीर्वाद लें, फिर घर में मौजूद सभी बड़ों को भी नमन करें। इसके बाद आप सास जो सर्गी दें उसे ग्रहण करें। सर्गी में सात्विक भोजन ही किया जाता है। भूल कर भी तेल मसाले वाली चीज़ें ना खाएं और ये चीज़ें सर्गी की थाली में ना शामिल करें। कौन सी चीज़ें हैं? कभी सर्गी की थाली में प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड या फिर तली भुनी या बहुत सारा तेल लिए भोजन ना रखें। किसी भी तरह की कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। ये सब आपको पूरे दिन परेशान कर सकती हैं। सिर्फ बैलेंस डाइट ही सर्गी की थाली में रखनी चाहिए ताकि पूरा दिन बिना खाए पिए भी आप खुश रहें और पूजा में भी मन लगे। और आप जानते हैं कि अगर समय पर सर्गी ना खाएं तो क्या करना चाहिए। सर्गी तारों की छांव में खाना सबसे उत्तम माना जाता है, लेकिन किसी कारणवश अगर आप सूर्योदय से पहले सर्गी ग्रहण नहीं कर पाते तो सूर्योदय के बाद इसे खाना वर्जित माना जाता है। आपको निर्जला रहकर ही चांद दर्शन तक इस व्रत के नियमों का पालन करना होता है। तो यदि आप समय पर सर्गी नहीं कर पाते हैं तो फिर आप सर्गी ना करें। दोस्तों, ये थी जानकारी करवा चौथ व्रत सर्गी की। अब हमें
इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ बहुत बहुत शुभ हो। इसी कामना के साथ अब हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे। दोस्तों, आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारी के साथ कई अन्य बीमारियों से भी पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, ये ठीक नहीं हो सकती है, इसके लिए हमें क्षमा करें। अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। इसके लिए आप सभी दोस्तों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।